हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और जो जो व्हाट्सएप के ग्रुप में हमारे ज्वाइन है, जो हमारे साथ अटैच्ड है, उनको पता है कि किस रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो आज वीडियो हमने एक बैंक निफ्टी में काम किया था, बैंक निफ्टी की कॉल ग्रुप में भी डाली थी और मैंने भी ट्रेड लिया था। उस बैंक निफ्टी के कॉल को किस तरह से जनरेट किया, क्या उसमें प्रॉफिट आया, कितने पॉइंट का प्रॉफिट आया, सब कुछ इसमें बहुत डिटेल्ड बात करेंगे। एक्चुअल में मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, या मैं हूँ या किसी कोई भी और यूट्यूबर है, मैं चाहता हूँ वो खुद ब खुद सीखें, खुद ब खुद फैक्ट्स को सीखें कि किस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने कल रिलायंस के रिगार्डिंग वीडियो डाला था और बहुत सारे लोगों के मैसेज आए मुझे कि रिलायंस में क्या करें। सब मैंने देखा कि सबके सब जो फंसे हुए हैं वो काफ़ी ऊपर के लेवल्स में बाय करके फंस गए हैं, 2200 2400 ऐसे इस रेंज में बाइंग कर करके सब फंसे हुए हैं। तो अब यहाँ पे रिलायंस एकदम से डाउन आता जा रहा है, आप सबको पता है। जैसे कि अगर अभी का हम भाव देखें तो 1899 रुपये, और लो की अगर बात करें तो 1895 रुपये का लो लग गया है रिलायंस में। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में और कई जगह पे मैंने स्पेशली कह दिया था कि रिलायंस को अभी, जैसे मैंने कल जो वीडियो डाला रिलायंस में, उसमें भी कहा था कि अभी फ़िलहाल बाइंग करने का टाइम नहीं है, लेकिन बेहतरीन शेयर है, बेहतरीन शेयर को जब भी बेहतरीन शेयर में गिरावट आए तब, और इन्वेस्टर्स को ज़्यादा खुश होना चाहिए कि बाइंग करने का मौका मिलेगा। लेकिन हमें एग्जैक्ट लेवल्स पते होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम बाइंग करें, कहाँ पे हम एंटर करें और कहाँ पे एग्जिट करें। देखिए 100% 100% सत्य तो नहीं होते हैं, सही नहीं होते लेवल्स, लेकिन हाँ तकरीबन वर्क करते हैं। हमें हमारे काम का पैटर्न होना चाहिए, हमारे काम का स्टाइल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कहीं भी कूद गए, तुक्का मार दिया। तुक्का कभी नहीं करना मार्केट में, क्योंकि आप मार्केट में रियल मनी लगा रहे हो, कोई पेपर ट्रेडिंग नहीं है। तुक्का की वजह से आपका बहुत मेहनत की गाढ़ी कमाई, हार्ड अर्न मनी आपका डूब सकता है। इसलिए मार्केट में तुक्का कभी मत कीजिए, और ख़ास करके किसी और पे तो भरोसा मत कीजिए, चाहे वो टीवी वाले ही क्यों ना हो। खुद एनालिसिस कीजिए, जो भी कंपनी को आप परचेज़ कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में बेहतरीन अच्छे तरीके से समझिए, पेशेंस अपने अंदर लेके आइए। और अगर आपका माइंड कह दिया है, अगर आपने रिसर्च किया है कंपनी अच्छी है और वो कंपनी में थोड़ी सी गिरावट आ जाती है, थोड़ी बहुत कंपनी में इंटरनल प्रॉब्लम या फिर कोई भी परेशानियों से घिर के कंपनी में गिरावट आती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने एनालिसिस अगर किया है तो वो गलत नहीं किया है, आपको पता है यही है रीज़न है और ये रीज़न से गिर रहा है, तो कोई बात नहीं, इससे तो ओवरकम करेगा। अच्छी कंपनियां हमेशा उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो ओवरकम करके निकलते हैं। तो ये तो हो गया बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे हम आपके नॉलेज को एकदम से बूस्ट करते हैं, आपको मार्केट के हर पहलुओं को सिखाते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं न्यूज़ दे दूं या टिप्स प्रोवाइड कर दूं फ्री में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि सबके सब सीखे, सब लर्न करें, सीखने के बाद काम करें, सब इंडिपेंडेंट बने। तो चलिए आज चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। लेकिन बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाने से पहले आप सब ये देख लीजिए कि मैंने वो टिप दिया कहाँ था, मैंने बैंक निफ्टी बाइंग करने को कहा कहाँ था, और हमारे ग्रुप का बिल्कुल स्क्रीनशॉट है यहाँ पे। तो ऐसा करता हूँ, स्क्रीनशॉट कैसे लाऊंगा, ग्रुप को ही लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो एक बार करते हैं, यहाँ पर कोई और मेरा फ़ोन अटैच्ड है शायद, उसको मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा, देखता हूँ क्या खुल रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई और मेरा दूसरा फ़ोन अटैच्ड होगा तो मैं इसको लॉग आउट करूँगा और नया नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरे फ़ोन में मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। एक मिनट में मैं इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है यूट्यूब वाला, उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा इसके साथ, व्हाट्सएप वेब के साथ। तो एक बार मैं देखता हूँ अब चल पड़ेगा मे भी, हाँ चल पड़ा है, मैसेज आ गया मुझे। तो ये रनिंग हो रहा, देखिए किस तरह से गिरावट। मेरा जो एग्जैक्ट टारगेट था, बिलीव नहीं करोगे आप मैसेज देखोगे, मेरा जो एग्जैक्ट टारगेट, देखिए हमेशा 100% सत्य नहीं होता और हमेशा एग्जैक्ट टारगेट को हिट नहीं करता, ये कभी कभार होता है, लेकिन हम अपने लेवल्स पर कॉन्फिडेंस रखते हैं।
हमें पता है हमने जो लेवल निकाला वो लेवल सत्य है, सही है, इसलिए हम प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट को फॉलो करते हैं, क्योंकि तकरीबन ऐसा होता है कि हमारे लेवल्स को रीच करके रिटर्न होता है, या फिर टोटल हम डिस्कस करेंगे आगे। तो एक बार देखें ये ओपन हो, या ओपन हो गया। अब मैं इसको ना लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट, ठीक है। तो ये लॉग आउट किया हूँ बट ये हुआ नहीं है लॉग आउट। चलिए इसको होने दीजिए लॉग आउट, एक बार पाउज कर लेता हूँ वीडियो को। तो भैया लॉग आउट हो गया है, अब मैं इसको अपने व्हाट्सएप ऐप से स्कैन करके लॉग इन करूँगा। तो मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप खोल लेता हूँ और इसको मैं न्यू ग्रुप, ओ सॉरी न्यू ग्रुप क्यों हो गया, व्हाट्सएप वेब, या इसको मैं स्कैन कर लेता हूँ। जब मैं स्कैन कर लिया हूँ तो ये कनेक्ट हो गया है मेरे। तो ये कनेक्ट हो रहा है, देखिए बैंक निफ्टी में किस तरह से गिरावट गहराने लगी है। अब इसका जो सपोर्ट लेवल है यही सपोर्ट लेवल फिर से बनेगा इसका, बाकी देखते हैं क्या होता है ना। तो ये ओपन हो रहा है, इंटरनेट थोड़ा स्लो होने की वजह से टाइम लग रहा है। एक्चुअली मेरा ब्रॉडबैंड में क्या दिक्कत आ गया समझ नहीं आ रहा है, मॉडम में LOS लिखा हुआ है, वो लाइट जल रही है और बंद हो जा रहा है। तो ये मेरा व्हाट्सअप आप सबके सामने बिल्कुल लाइव ओपन हो गया है, मैं कुछ पा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल सामने ही है। ये भी मेरा ही ग्रुप है डेली 2K, ये मैंने बनाया हुआ है, ये तीनों के तीनों ग्रुप मेरे ही है। सबसे ऊपर वाला ब्रॉडकास्ट मैंने बनाया है जो हमारा यूट्यूब फैमिली है, तो ये मैंने डाले थे। तो एक बार हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किया था हमने। हमारे इंस्टाग्राम को अगर आप लोगों ने ना मतलब फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मोटिवेशन से भरे हुए पोस्ट्स मैं शेयर करता हूँ, प्लस कुछ आइडियाज़ भी मैं शेयर करता हूँ, कुछ टिप्स भी शेयर कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे बाइंग दिया था मैंने बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी बाय दिया था, मैं कैरी लिखा था कि कैरी भी करना पड़ सकता है अगर उन लेवल्स रीच नहीं होते, लेकिन वो लेवल्स एकदम से ही रीच हो गए, हमारे सारे टारगेट हिट हो गए। तो यहाँ पे देखिए 28650 से 28700 के बीच में मैंने बाय करने को कहा था और स्टॉप लॉस 450 का दिया था, यानी 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और देखिए टारगेट दिया था 29200 और 29400, दो ही टारगेट दिए थे। और अगर मैं देखूँ तो मैंने दिया था 12:40 पर। अब यहाँ पर चार्ट में देखते हैं कि 12:40 पर कहाँ पर था, कि 12:45 का कैंडल है। इस कैंडल की अगर हम ओपन देखें तो 684 और अगर लो देखें तो 663 तक गया है, और 12:30 से लेके 12:00 ये कितने मिनट का कैंडल, 15 मिनट का, 12:30 बजे का कैंडल अगर आप देखोगे भैया तो इसका लो है 640 का, मतलब 650 पे हमारा यहाँ पे ये रीच था, 650 पे चल रहा था वहाँ पर 28650। 12:40 पे हमने बाइंग दिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने बाइंग यहाँ पे 12:40 पे किस बेस्ड पे दिया, फिर हम टारगेट्स वगैरह देखेंगे। देखिए मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे 9:15 से लेके यहाँ तक अगर देखें 10:30 तक तो कंसोलिडेट रहा, लेकिन यहाँ इस लाइन को इसने ब्रेक किया सपोर्ट को, लेकिन मैंने सेलिंग नहीं दिया, क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ हमें इसको नहीं देखना है, हमें और फंडामेंटल्स भी समझने हैं, ऑप्शन का एनालिसिस भी देखना है, ऑप्शन की डाटा का एनालिसिस देखना है। तो यहाँ पे इसने दूसरे सपोर्ट को तोड़ दिया, लेकिन अगर दूसरा सपोर्ट ये भी सपोर्ट तोड़ के नीचे सस्टेन कर जाता तो मैं सेलिंग दे देता, और आप बिलीव करिए सेलिंग जब मैं इसको करवाता यहाँ पे 600 रुपये के नीचे अगर सेलिंग करवाता तो बड़े आराम से इसमें 400 पॉइंट का टारगेट इस लाइन को टेस्ट कर लेता, बड़े आराम से 300 रुपये को टच हो कर लेता ये यहाँ पे 306 रुपये में। तो यहाँ पे इसको तोड़ नहीं सका, यहाँ से रिटर्न होने लगा कितने बजे, 11:15 पे। फिर भी मैंने बाइंग नहीं करवाया, मैंने कहा नहीं थोड़ा सा वेट करते हैं। फिर आगे गया 12, मैंने कितने बजे दिया, 12:40 के अराउंड ना, एक घंटा मैंने और वेट किया, मैंने देखा कि नहीं इस लाइन को तोड़ नहीं रहा है, मतलब ये ऊपर जाने की पूरी तैयारी में है, और मैंने 12:40 में यहाँ पे मैंने बाइंग करवा दिया। यहाँ पे बाइंग कराया 15 मिनट के अंदर अंदर ये बड़ा कैंडल, और इसका हाई देखिए आप 29077 का, और मैंने अगर आप देखोगे तो मैंने 15 मिनट के अंदर ही बुकिंग करवा दिया। मैंने कहाँ पे बुक करवाया अगर आप देखोगे तो, मैं व्हाट्सएप पे दोबारा चलता हूँ। तो देखिए रॉकिंग इंट्राडे ट्रेडर्स कैन बुक प्रॉफिट 28920 पे मैंने इंट्राडे ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक करवा दिया कई लोगों को,
और फिर उसके बाद मैंने खुद अपने ट्रीट को नहीं निकाला, क्योंकि मैं पूरे मूड में था कि मैं कैरी कर लूँगा। मुझे पता है कि बाजार बहुत ज़्यादा बुलिश है, मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि बहुत ज़्यादा बुलिश है बाजार। ये तो आज रिलायंस की वजह से निफ्टी नहीं भाग सकता। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, मैं हमारा नियर टारगेट, हमारा फर्स्ट टारगेट के नियर आ गया था 1:48 पे, और 1:48 पे 500 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा था, और नियर टू आवर, और पूरा टारगेट कितने बजे हिट हो गया आप देखोगे अगर, तो 400 पॉइंट का। तो ये कैंडल में पूरा टारगेट हिट हो गया। ये कैंडल का अगर आप हाई देखोगे भैया, तो 29,406 का हाई है, और आज का डे का हाई 29,406.70 रुपये। अब मैंने 400 का ही टारगेट क्यों दिया? देखिए, जब एक बड़े कैंडल में ना इस सपोर्ट लाइन को तोड़ के यहाँ पे पीवट पॉइंट के पास अपने आ गया। देखिए, नीचे से कोई भी लाइन को अगर टेस्ट करता है तो वो उसका रेजिस्टेंस लाइन है, और ऊपर से कोई भी लाइन को टेस्ट करता है तो वो सपोर्ट लाइन है। तो इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास आया। तो इस रेजिस्टेंस के पास जैसे ही आया ना, मुझे लगा कि नहीं, यहाँ रिवर्स कर सकता है बाजार, अब वो टूट जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुक करवा दिया कहीं को, लेकिन मैं अपना होल्ड करने के लिए बैठा रहा। अब मैंने जो टारगेट दिया था, मैंने ये रेजिस्टेंस का टारगेट दिया था। देखिए, 426 का रेजिस्टेंस है, मैंने 400 पॉइंट का टारगेट दिया था। मैं कहा कि 400 का दिया, 29,400 का टारगेट मैंने दे दिया था। तो बिल्कुल वही हुआ एग्जैक्ट। देखिए, इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया, इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे के सीधा यहाँ से रिटर्न, और अभी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है, बट लग नहीं रहा है इस सपोर्ट को तोड़ सकता है बाजार। देखते हैं बाकी क्या होता है। अभी 3:30 हो गया, बाजार बंद हो गया, बाजार बंद हो गया। तो ये हो रहा है बंद, 3:30 हो गया है, 1 मिनट में हो जाएगा बंद, होने ही वाला है। तो यहाँ पे यहीं कहीं बंद हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से रेजिस्टेंस, मतलब मेरे कहने का मेन मोटिव यही है कि जब भी आप काम कीजिए यार, फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ट मिलता है, इन्वेस्टिंग लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, ट्रेडिंग व्यू कितना अच्छा है, ट्रेडिंग व्यू सब कुछ देता है यहाँ पे। तो ट्रेडिंग व्यू आप लगा के पीवट फिबोनाची लगा लीजिए। मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर, किस तरह से रिसर्च करनी है, वो वीडियो आप देखिए आगे जाके। अच्छा, वीडियो में बने रहिए, सेकंड जो मैं रिसर्च करूँगा वो रिलायंस के बारे में ही करूँगा। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, वहाँ पे आपको ये किस तरह से ऐड करने हैं पीवट्स वगैरह, फिबोनाची वगैरह सब आपको वहाँ पे आप सीख लोगे। तो मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हो गया है 29,141 के पास। और अब बात कर लेते हैं कुछ रिलायंस की। देखिए, रिलायंस में मैंने 2 दिन पहले सबको बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह दिया था, पता नहीं फिर भी लोगों ने क्यों होल्ड किया, क्यों होल्ड किया मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा था कि भैया 1960 रुपये का एकदम स्ट्रिक्ट वाला स्टॉप लॉस लगा लो, जैसे ही 1960 टूटेगा वहाँ से आंखें बंद करके जितना मर्जी उतना शॉर्ट कर लेना। तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, ये भैया जी क्या कह रहे हैं, कैन यू ऐड मी इन योर शेयर मार्केट ग्रुप, या ऐड करूँगा क्यों नहीं ऐड करूँगा भैया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो ये देखिए कहाँ पे मैंने बोला था, तो यार तो दिवाली पहुँच गए। हाँ, ये है देखिए, वेडनेसडे को मैंने बोला था रिलायंस सपोर्ट 1960, इफ़ एनीवन वांट टू शॉर्ट सेल ओनली बिलो 1960। मैंने स्पेशली कहा था भैया, अगर शॉर्ट सेल करना चाहते हो तो 1960 पे कर लो। और कितने सारे मेरे को क्लाइंटों के मैसेजेस आए थे, यहाँ देखिए इतने सारे मैसेजेस हैं सब रिलायंस के बारे में, रिलायंस के बारे में। अगर एकदम मैं आपको खोल के दिखाऊँ, तो ये हैं वीएन मौर्या जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिलायंस में किया है क्या? तो सबके रिलायंस में होल्डिंग्स पड़ी है, अगर मैं देखूँ। हाँ, देखिए रिलायंस में बेचारों को कितना लॉस हो रहा है, रिलायंस में इन्होंने काम किया हुआ है। तो ये इन्होंने अपना स्क्रीनशॉट भी दिया था कल, और बहुत सारे लोगों ने रिलायंस में काम किया, सब रिलायंस के ऊपर मुझे से राय पूछ रहे थे कि क्या बनेगा क्या बनेगा। तो आर्यन जी ने भी, नहीं आर्यन जी ने तो, अच्छा इनको मैंने एक ऑप्शन की कॉल दी थी, मेरे अपने पेड क्लाइंट्स को मैंने दिया था। तो आप सबको मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप होल्ड, मतलब हमारे पेड क्लाइंट बनो इतनी जल्दी, पहले आप काम देखो, समझो और पैसे कमाओ। तो एक मिनट आप होल्ड करिए ज़रा। तो मेरे किसी क्लाइंट का आया था फ़ोन, ट्रेड डलवाने के लिए कह रहे थे, क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करना था। तो क्रूड ऑयल वो कह रहे थे क्या किया जाए, थे बाइंग करवाया हमने क्रूड ऑयल यहाँ से।
देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनको मैंने यहाँ पे अगर ऊपर जाऊँ तो मैंने ऑप्शंस में ट्रेड करवाया था इनको। ये देखिए मैंने 12:55 में इनको कहा बाय 28,800 कॉल ऑप्शन एट CMP 400। उस टाइम 400 रुपये था। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर उसका हाई मैं बात करूँ, मैं अपने मोबाइल में देखता हूँ आज 28,800 वाले का हाई। भैया आर्यन जी अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो बताना नीचे कैसा रहा आज का कॉल। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ आज इसका हाई कितना रहा, 800 तो क्रॉस कर गया था मुझे पता है, मैं देखना हूँ एग्जैक्ट हाई आपको बताता हूँ मैं। तो 1 सेकेंड, यस। तो देखिए यहाँ पे मैंने उनको कहते ही गया, उन्होंने कहा कि हाई रिस्क है पूछा, फिर मैं शायद रिप्लाई नहीं कर पाया। फिर भैया ये तो अब काफ़ी आगे निकल गया, 485, 500, 600 लग गया, देख रहे हैं आप। तो आज का हाई जो लगा भैया 837 रुपये का हाई लग गया, 400 रुपये मैंने बाइंग करने के लिए कहा था, ये पछता रहते हैं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मार्केट मौका देती है डेली, कोई बात नहीं काम करेंगे। तो ये था। और अब चलते हैं रिलायंस के बारे में बात कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया यार। तो आप सबने देखा कि मैंने 1960 का स्टॉप लॉस बोला था, मैंने क्यों बोला था, यहाँ पे हम लगाएंगे अब 1 घंटे का चार्ट, आवरली चार्ट हमने लगा लिया है। और इसको हम करते हैं थोड़ा सा बिग। देखिए यार यहाँ पे अगर कल का मैं पीवट पॉइंट अगर पिछले दिनों से मैं देखता हूँ, मैं अगर यहाँ पे देखूँ 18 नवंबर का अगर मैं देखूँ, देखिए 18 नवंबर पे जो ये लाइन जो सपोर्ट लाइन है इसका, 18 नवंबर को नीचे आना शुरू हुआ था, ये सपोर्ट लाइन 1960 को टच करके ऊपर आ गया, यहाँ तक आ गया था, 2000 तक आ गया था, फिर उसके बाद नीचे गया। फिर मैंने यहाँ पे फिर सेम वही इसने 66 को टेस्ट के मुड़ गया, मैंने कहा चल कोई बात नहीं सपोर्ट लाइन था, तो सपोर्ट लाइन को ये तोड़ नहीं रहा था 1960 को। तो अब पता था कि अगर ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है, 1960 अगर टूटेगा तो एकदम से टूट नीचे आएगा। पता नहीं आप लोग क्यों स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, मुझे समझ में नहीं आता यार। लॉस मार्केट में प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है, सिर्फ अगर प्रॉफिट लेना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं है। 1960 पे यहाँ एग्जिट मारना था। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो तो चलो अच्छी बातें लिए हो, लेकिन भागते हुए कभी भी शेयर को मत पकड़िए या टॉप पे मत पकड़िए। फ्यूचर ग्रुप में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग फंसे हुए, सबकी फ्यूचर रिटेल की अगर पूछूँ तो 160 रुपये, 162 रुपये की बाइंग है। भैया मेरी बात सुनो, क्या ज़रूरत है इतने ऊपर, जब हम देख रहे हैं एक शेयर ऑलमोस्ट साला डबल से भी ज़्यादा हो गया है, उसके पीछे भागने का क्या जरूरत है। रिट्रेसमेंट आता है, रिट्रेसमेंट पे ले लेंगे, कोई नेगेटिव खबर पे ले लेंगे। दुनिया में इतने सारे शेयर है, सिर्फ लाइन सी पड़ी थी। अब जिन्होंने 2200, 2400, 2300 पे लिया है उनको क्या करना चाहिए यहाँ पे। देखिए भैया मैं एक ही बात कहूँगा यहाँ पे, मैं सीधा लगाऊंगा डे चार्ट, और मैं एक ही बात कहूँगा इसका, ये बहुत स्ट्रांग सा सपोर्ट जोन है 1835 रुपये, 1830 रुपये को ना तोड़े तो ये से रिटर्न हो जाएगा। एवरेज कहाँ करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए 1840-50 के पास, 1850-50 आता है तो वहाँ पे एवरेज कर लीजिए एक बार, और 1830 पे एग्जिट कर दीजिएगा जो एवरेज वाला माल है। बाकी आपका जो लॉन्ग टर्म का है वो तो आप देखो कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि बहुत ऊपर से है, मैं भी सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इतने ऊपर से। तो एक जो इसका सपोर्ट है वो 1830 का है, माइंड में बैठा लीजिए, 1830 वाला लेवल जब आएगा फिर मैं ज़रूर बात करूँगा। और दूसरा लेवल जो बन रहा है भैया वो बन रहा है 1780 के अराउंड का, तीसरा लेवल जो बन रहा है वो 1690 के अराउंड का, देखते हैं बाकी कहाँ जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री डरिए मत, इतना नीचे अभी फिलहाल नहीं लग रहा है जाएगा। बाकी कोरोना का जो हालात दिख रहे हैं, लॉकडाउन दिल्ली में लगाने के लिए बातें चल रही हैं, अमेरिका में कोरोना का सारा केस गहरा रहा है, अगर कुछ ऐसा हुआ फिर से मुसीबतें आई देश में तो कुछ नहीं कहा जा सकता मार्केट किस तरह से क्रैश करेगा। बाकी होप करता हूँ वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया वीडियो, अगर आपने यहाँ तक किसी ने देखा है तो उनको दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, आपका बहुत बड़ा हाथ है हमारे चैनल को ग्रो करवाने में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।